इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। हेमा गली में पड़ोसियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी कि तभी हेमा को घर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। हेमा ये देखने घर के अंदर आई ही थी कि तभी गैस अपने आप ही चलने लगी। रजनी कोने में बैठी अभी भी रो ही रही थी और मोहित छोटू को खिलाता हुआ हंस रहा था। हेमा ने तुरंत दौड़कर गैस बंद कर दी और रजनी से कहा, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी पिटाई के बाद भी तूने गैस चालू कर दी? इस पर मोहित बोला, दीदी ने कुछ नहीं किया है, चूल्हा अपने आप जलता है और आज भी अपने आप ही जला है। बच्चों की बात सुन हेमा के होश उड़ गए थे। उसने इस घटना के बारे में बताते हुए अपने पति शिंदे से कहा, सुनते हो जी, रजनी के पापा, घर में भूत है, आज गैस चूल्हा अपने आप चालू हो गया था। हेमा की बात सुन शिंदे बोला, कोई भूत भूत ना है, सब मन का वहम है। फिर बत्तियां बुझाकर सबको सुला देता है। अभी शिंदे की आंख ढंग से लगी भी ना थी कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई शख्स उसके बाजू में लेटा हुआ है। वो पीछे की तरफ देखता भी है मगर शिंदे को कोई नहीं दिखता। वो इसे अपना वहम मानकर एक बार फिर सीधा लेट गया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठकर उसकी गर्दन दबा रहा है। शिंदे छटपट आता हुआ उठकर बैठ गया था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, पर जैसे उसने अपने बच्चे और पत्नी को सही सलामत सोता देखा तो चैन की सांस ली। शिंदे प्यास से मजबूर पानी पीने ही गया था तभी बाजू वाले कमरे में बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है जैसे कोई खाना बना रहा हो। शिंदे ने तुरंत दौड़कर लाइट ऑन की तो देखा जूठे बर्तनों पर चूहों ने थमा चौकड़ी मचा रखी थी। शिंदे वापस लाइट बंद कर सोने चल दिया। अगले दिन शाम को बच्चे खेल कर घर वापस आ चुके थे। हेमा घर का काम करने लगी थी। शिंदे को प्रिंटिंग प्रेस जाने की जल्दी थी। वो अपना टिफिन लेकर साइकिल से प्रिंटिंग प्रेस को चल दिया। घर में अभी भी सिर्फ शिंदे की पत्नी हेमा और बच्चे ही थे। मोहित दीवार से चिपक कर किसी से बातें कर रहा है और पास बैठी रजनी पढ़ाई में मशरूफ किताबों में खोई हुई थी कि अचानक ही मोहित तेज तेज बातें करने लगा और फिर अगले ही पल दहाड़ मार मार कर रोने लगा था। मोहित के रोने की आवाज सुनकर हेमा जब कमरे में आई तो रजनी को डांट लगाते हुए बोली, तूने क्यों मारा इसे? जब नहीं पढ़ती है तेरी दीदी के साथ तो अलग अलग काहे को नहीं बैठते हो? इतना कहकर हेमा रजनी की चुटिया पकड़कर घसीटती हुई इसे अपने कमरे में लेकर आई थी। आई, मैंने नहीं मारा मोहित को। तूने नहीं मारा तो क्या भूत ने मारा उसे? हेमा रजनी को डांटती हुई वापस कमरे के अंदर आई ही थी कि गैस चूल्हा एक बार फिर अपने आप चलने लगा था। हेमा ने यह देखते ही लपक कर गैस बंद कर दी थी। तभी दूसरे कमरे से एक बार फिर मोहित के रोने की आवाज आई। हेमा मोहित की आवाज सुन जैसे ही उसे देखने गई, हेमा ने जो उसे देखा तो उसके बदन का एक एक रोम डर के मारे कांप उठा था। मोहित बीच हवा में तड़प रहा था, मानो जैसे कोई बीच हवा में मोहित का गला दबा रहा हो। ये देख हेमा जोर से चीख पड़ी। चीख की आवाज सुन मोहित भी एकदम से नीचे आ गिरा। हेमा ने आओ देखा ना ताओ, वो तुरंत ही अपने बच्चों को साथ लेकर घर के बाहर आ गई थी और चीख चीख कर सबसे कहने लगी, मेरे घर में भूत है, वो मेरे मोहित को मार रहा है, कोई हमारी मदद करो। हेमा डर के मारे रात पर बाहर ही गुजार देती है। सुबह जब शिंदे घर आता है और बीवी बच्चों को घर के बाहर बैठा हुआ देख हैरान रह जाता है। मामले को जानने के बाद शिंदे सब कुछ समझा बुझा कर वापस घर के अंदर ले आता है। रात के 10 बज चुके हैं। शिंदे अपना टिफिन लेकर प्रिंटिंग प्रेस जा चुका है। शिंदे की पत्नी हेमा बच्चों के साथ घर में आराम कर रही थी। रात अब अपने उफान पर थी। घड़ी में तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। सब गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी मोहित की आंख खुली।
उसने देखा कि उसकी माँ उसकी आंखों के ठीक सामने हवा में ऊपर उड़ रही हैं और उसके जिस्म की सारी हड्डियां अपने आप अकड़ती जा रही हैं। ये देख मोहित की चीख निकल गई। मोहित की चीख सुनकर रजनी की भी नींद खुल गई। उसने भी वही देखा जो मोहित पहले से देख रहा था। रजनी डर के मारे कांपने लगी थी, मगर किसी तरह हिम्मत बांध रजनी मोहित और छोटू को साथ लेकर घर के बाहर भाग आई। आज की रात फिर बच्चों ने रात घर के बाहर ही गुजारी। तभी पड़ोस के एक अंकल ने बच्चों को रात में ठिठुरते देखा तो वो बच्चों को हिम्मत दे उन्हें उनके ही घर के अंदर लेकर आ गया। बच्चे जब घर के अंदर आए तो देखा उनकी माँ हेमा चैन से बिस्तर पर सो रही है। माँ को सही सलामत देख बच्चे माँ से लिपट कर सो गए। अगली सुबह शिंदे जब घर आया तो बच्चों ने हेमा के हवा में उड़ने वाली बात अपने पापा को बता दी, पर शिंदे बच्चों की बात सुनकर हंसने लगा था। शिंदे ने मजाक में ही कहा, आ तेरी माँ बंदरिया है, कहीं भी चढ़ सकती है। मोहित अभी नादान था तो उसने भी अपने पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए पूछा, सच्ची पापा, पर आपको कैसे पता? मोहित के पूछने पर शिंदे उसे एक मन गणंत कहानी सुनाने लगा। आज संडे था, शिंदे की प्रेस की छुट्टी है, इसलिए शिंदे भी आज अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठ गया। थोड़ी देर में शिंदे की पत्नी खाना लेकर आ गई, पर हेमा ने अभी खाना परोसना शुरू ही किया था। एक एक कर सारे बर्तन खाली हो गए, सारा खाना गायब हो चुका था। फिर अगले ही पल पहले पतीला, फिर कुकर, फिर कड़ाही, फिर तवा, एक एक करके सब हवा में उड़ने लगते हैं। बर्तनों को हवा में उड़ता हुआ देख शिंदे डर के मारे कांपने लगा था। फिर एक औरत आग में जलती हुई सबके सामने से गुजरी और कमरे की खिड़की से कूद गई। शिंदे ने डरे सहमे जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। शिंदे बीवी बच्चों समेत घर से बाहर निकल आया था। सब डर के मारे कांप रहे थे। सबके मन में बस यही सवाल गूंज रहा था कि उन्होंने जो अभी देखा क्या वो सब सच था या सिर्फ एक वहम। पड़ोसियों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो पड़ोसियों ने मामले की पूरी कहानी शिंदे के सामने रख दी। शिंदे साहब, आप इस मकान में रह रहे हो ना, ये मकान भुता है, इसलिए ये तुम्हें इतना कम दाम में मिल गया। हम लोग बहुत पहले से हैं मोहल्ले में, 10 साल से मकान खाली था। इसके पहले भी जितने लोग आए ना, सब के सब मर गए, या तो पागल होकर भाग गए। तुम पर देवा की कृपा है कि तुम अभी तक जिंदा हो। पड़ोसी की बात सुन शिंदे बोला, तो अब मैं क्या करूं? इस पर पड़ोसियों ने ढांढस बंधाते हुए कहा, शिंदे तुम चिंता मत करो, नाशिक में एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं, मसान बाबा। फिल्म इंडस्ट्री के जितने बड़े बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं ना, सब उनके चेले हैं। सभी की फिल्मों का मुहूर्त और रिलीजिंग डेट वही निर्धारित करते हैं। पड़ोसियों की बात सुन शिंदे बोला, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जो पैसे थे मैंने उनसे ये घर खरीद लिया। शिंदे पैसे की टेंशन ना ले, तू जिस प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है ना, उसका मालिक तावड़े वो भी उन्हीं का चेला है। अगले दिन शिंदे जब मसान बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने शिंदे को देखते ही कहा, आ गई तू, अभी तक तेरा बदला पूरा नहीं हुआ क्या? मसान बाबा की बात सुन शिंदे चौंक पड़ा, बाबा मैं एक मर्द हूँ, आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ शिंदे, बल्कि जो तेरे को यहाँ पर लेकर आई है मैं उससे बात कर रहा हूँ। शिंदे के पूछने पर मसान बाबा ने शिंदे के पीछे देखते हुए कहा। शिंदे ने भी मसान बाबा की नजरों का पीछा किया तो उसे सिवाय काले अंधेरे के कोई दिखाई नहीं दिया। पर बाबा आप किससे बात कर रहे हैं? मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है और मैं आपके पास अकेला आया हूं, वो भी अपने घर की समस्या लेकर।
मेरे घर में किसी। शिंदे इससे पहले अपनी बात पूरी करता मसान बाबा ने कहा, तेरे घर में किसी भूत प्रेत का साया है, यही कहना चाहता है। मसान बाबा की बातें सुन शिंदे चुप हो गया था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मसान बाबा पहले से उसकी समस्या को जान लेंगे। मसान बाबा की बातें सुन ही शिंदे नतमस्तक हो गया था। बाबा आपको तो सब पता है, बस जल्दी से मेरे परिवार को इस मुसीबत से निकाल लीजिए। इस पर अखोरी बोला, अब मेरे पास क्यों आया है मदद मांगने? जब तुझे अपना फर्ज निभाना था तब तो तूने लालच देखा, और अब जब अपनी जान पर बनाई है तो मेरे पास गिड़गिड़ाने आया है। जा, नहीं करता तेरी कोई मदद, जा मर। मसान बाबा की बातें सुन शिंदे का दिल बैठ गया था। उसे बाबा का कहा एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। मसान बाबा आप ये क्या कह रहे हो, मैंने कब अपना फर्ज नहीं निभाया, और किस लालच की बात कर रहे हो आप? इस पर मसान बाबा अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगे, फिर हाथ में भभूत उठा हवा में उड़ा दिया। भभूत ने हवा में जाते ही एक चेहरे का रूप ले लिया जिसे शिंदे अच्छे से पहचानता था। उस चेहरे को देखते ही शिंदे कांपने लगा था। उसने उस चेहरे से बस इतना कहा, मेम साहब आप? हाँ शिंदे, मैं तेरी मेम साहब। अब क्यों डर रहा है? उस रोज जब तुझे मेरी मदद करनी थी तब तक तू अपनी जान के डर से छिप गया था। मेम साहब ने शिंदे से ये कहते हुए उसे हवा में ऊपर उठा लिया था। तभी शिंदे बोला, मुझे माफ कर दो मेम साहब, मैं डर गया था। मेरी नई नई शादी हुई थी और 10 साल पुरानी गलती की सजा तुम मुझे अब क्यों दे रही हो? शिंदे मेम साहब की आत्मा से अपनी बातें कर ही रहा था कि तभी मेम साहब ने मसान बाबा की तरफ एक नजर देखा। मेम साहब की नजर में एक इशारा था जिसे मसान बाबा तुरंत समझ गया। मसान बाबा ने एक बार फिर मंत्रों का उच्चारण कर हाथ में लिए भभूत हवा में उड़ा दिया। भभूत के हवा में उड़ते ही शिंदे को अपना घर दिखने लगा। अपनी पत्नी हेमा और अपने बच्चे उसे अपनी आंखों के सामने दिख रहे थे, जिन्हें देख शिंदे को अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। पर इससे पहले शिंदे कुछ कहता, मेम साहब ने तुरंत ही अपने जादू से शिंदे के परिवार के सभी लोगों को हवा में ऊपर उठा लिया, और अगले ही पल घर का सारा सामान शिंदे के परिवार के जिस्म काटने लगा था। उनकी दर्द भरी चीखें शिंदे भी साफ सुन सकता था, पर वो पूरी तरह से असमर्थ था। वो जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, और उसकी आंखों के ठीक सामने उसके परिवार के सारे लोग मौत की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सोने जा रहे थे। तभी शिंदे चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने ही आपके दारूबाज पति को आपका पता दिया, उसे बताया था कि आप अपने नासिक वाले अपने बंगले में अकेली रहती है, और मुझे ये भी पता था कि आपका पति आपको जान से मारने के लिए ही आपको ढूंढ रहा था, जिसके लिए आपके पति ने मुझे 2 लाख रुपए भी दिए थे। बस इतना ही सच है जो सालों से मैं अपने दिल में दबाए हुए हूँ, पर आपने सच जान लिया है तो मार दो, मुझे मार कर अपना बदला पूरा कर लो, पर मेरे परिवार को जिंदा छोड़ दो। शिंदे की बात सुन, तुझे पता है तूने सिर्फ 2 लाख रुपए के चक्कर में मुझे मरवा कर लाखों लोगों को भूखा मरने को छोड़ दिया था। मैं अपने पिता की एक लौती संतान थी, लाखों लोगों के पेट मेरी फैक्ट्री मिल्स और कारखानों की वजह से पलता था। तूने तो जान के डर से शहर छोड़ दिया, लेकिन जो लोग जीते जी मर गए उनका क्या? मीम साहब की बात सुन शिंदे चुप हो गया था। असलियत जान उसे अब खुद से खिना रही थी। तभी मसान बाबा बोले, जल्दी करो, जो भी करना इसका, हमारे पास वक्त बहुत कम है। करना क्या है, भेज देते हैं इसको इसके परिवार के पास। इतना कहकर बेम साहब हंसने लगी थी, और उसके पीछे पीछे मसान बाबा भी।
शिंदे समझ गया था कि जरूर उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शिंदे अभी भी हवा में झूल रहा था और उसकी आंखों के ठीक सामने उसका परिवार घर के कोने में बैठा अपना खून पोंछते हुए शिंदे को ही याद कर रहे थे। अपने परिवार को रोता देख शिंदे तुरंत ही मेम साहब और मसान से दूर जाने के लिए हवा में ही हाथ पैर मारने लगा था कि तभी मेम साहब और मसान बाबा एक साथ मंत्रों का उच्चारण करने लगे और अगले ही पल शिंदे चीखने लगा और तेजी से सामने भभूत के द्वारा बनाए गए द्वार से अपने परिवार के पास चला गया। मेरे बच्चों देखो, मैं सही सलामत आ गया, अब तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। शिंदे ये कहता हुआ अपने बच्चों को गले लगाने ही जा रहा था कि तभी मोहित बोला, माँ पापा कब तक आएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं जब से हम लोग इस घर में आए सब कुछ गलत ही हो रहा है। फिर रजनी ने कहा, माँ पापा आएंगे तो बोलना, ये घर छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन इस घर में हम नहीं रहेंगे। मोहित और रजनी को अपने सामने बात करता देख शिंदे ने झुंझलाते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों, बच्चों तुम्हारे पापा तुम्हारी आंखों के सामने, देखो तो मैं बिल्कुल तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हूँ बच्चों। हेमा तुम तो कुछ बोलो, हेमा ये क्या गंदा मजाक कर रहे हो तुम लोग। शिंदे अभी बोल ही रहा था कि तभी मोहित खड़ा हुआ और शिंदे के आर पार गुजरते हुए कमरे से बाहर चला गया। मोहित को खुद से आर पार जाता देख शिंदे समझ गया था कि भभूत द्वारा उस रास्ते से उसकी सिर्फ आत्मा घर आई है, उसका शरीर नहीं। शिंदे एक पल में जान चुका था कि वह जिंदा से मुर्दा हो चुका है। अब वो भी अपने परिवार के साथ साथ घर के दूसरे कोने में बैठा रोने लगा था। वो चाहकर भी नहीं बता सकता था कि अब वो दोबारा कभी घर नहीं आएगा। वक्त लगा पर शिंदे को उसके कर्मों की सजा मिल गई, पर लाखों बेदखल परिवार में एक परिवार अब भी शिंदे का ही था। जिस पड़ोसी ने शिंदे को मसान बाबा के पास जाने की सलाह दी थी, असल में वो भी मेम साहब का एक कर्मचारी था जिसने मेम साहब का बदला पूरा करने में उसकी मदद की थी। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक और कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए अब आप हमारी कहानियों का ऑडियो एक्सपीरियंस Spotify पर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो भेजिए हमें, क्या पता अगली दिल दहला देने वाली हॉरर एनिमेशन स्टोरी आपकी ही हो।